ओए, अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ क्लीन करके रखना पड़ेगा। एकदम साफ होनी चाहिए रूम। फाइनली, अब तो हर रोज इसे क्लीन रखूंगी मैं रूम को, कभी भी गंद नहीं फैलाऊंगी। ब्रो पता है, एक सदस्य काम करना है बस। अगर एक लड़की पसंद आई, लव एट फर्स्ट सेट हुआ, तो जाके प्रपोज करने का ये कौन है? मतलब इतना ज्यादा टाइम लेके हम जब करेंगे ना, तभी हमारा लव फेल हो जाता है। मतलब मेरा से बिल्कुल नहीं हुआ। एक लड़की पसंद आई ना, तो मैं जाके बोल दूंगा बस बोलने का है और कुछ नहीं है। क्या मतलब? हाँ ब्रो, सही कह रहा तू। मतलब ऐसे ही जाके बाद में सुसाइड वो सब कुछ करते हैं। अच्छा ऋषा, ये वो जो बहुत स्कूल क्रश है ना यार, देख कीजिए। अरे यार, प्रपोज करना, मुझे वो बहुत पसंद थी ना, प्रपोज कर रहे। मुझे कुछ काम है, आई विल लीव। ओके, आई टेक्स्ट यू। ओके बाय, टेक्स्ट करेंगे। बड़ा लेक्चर दे रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, क्या हुआ? कर सकता था ना पहली नजर वाला प्यार, करूंगा ना मैं ऐसे प्रपोज। मुझे वो खास पसंद नहीं है बस ऐसे ही। चल चल यार, तुझे पता है मतलब आजकल के लौंडे इतने बिगड़ रहे हैं ना, कि किसी को भी ऐसे देखे थोड़ा उनका थोड़ा डर, ऐसे जैसे स्लीवलेस पहना हो या फिर
ऐसे किसी को भी लड़की को देखे ना वो तो एकदम चिढ़ाने लगते हैं, मतलब आई टेल यू, मतलब ऐसे और लड़कियों भी ऐसे कुछ नहीं करते, सिर्फ चुपके रह जाते हैं और चले जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। लड़कियों को पहले कुछ अकल नहीं है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं तो सीधा बोलूंगी कहाँ रह तू, तू मुझे चिढ़ाएगा, हाउ डेयर यू टू डू दिस, मतलब मैं सच्चे बोल रही हूँ, मैं तो उसकी नानी याद दिला दूंगी सीरियसली। ट्रू यार, मतलब सच में लड़कियों को हिम्मत बहुत चाहिए होता है। क्या हॉट है यार, आएगी क्या? ओह नो, बोल रही थी ना तो ऐसे करेगी वैसे करेगी, करना बोल तो। रिया तू चलना यहाँ से, हम लोग चलते हैं। मतलब तुम तो बहुत बड़े लेक्चर दे रही थी वहां पे, मैं ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, अब क्या हुआ? वो लड़का तुम्हें टीज कर रहा था ना, तो तुम अब वो एक्चुअली ना अगर उसके पास कुछ एसिड वैसिड हुआ तो मतलब यू नो लाइक यू अंडरस्टैंड राइट, मतलब तो वहां पे इतने सारे लोग भी थे यार, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैं कैसे उसकी उस लड़के के सामने जाके बोल लेती, उसे डांट देती। हाँ पता था, तुम सिर्फ बोल सकती हो कुछ नहीं कर सकती। क्या यार फिर से ओरिएंटेशन डे, अब तो हमारे कॉलेज वाले इतने झूठ बोलेंगे कि अवर कॉलेज इज दी बेस्ट कॉलेज, दी बेस्ट कॉलेज। हाँ सच्चाई तो हमें पता है, हाँ यार सिर्फ झूठी बोलते हैं, और टॉपर्स पे देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्यूशन लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि टीचर की वजह से मैं इतनी मार्क्स लेके आई। सिर्फ टॉपर्स को बुलाने से क्या होगा, लास्ट बेंचर्स को भी बुलाओ ना, वो बता देंगे सच, इन लोगों को तो डर है ना कहीं वो सच बता दे, इनको तो बस झूठ 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 दिखाना है। हाँ गाइस मुझे तो इस मैडम को देख के ना ऐसे लगता है कि जाके यहाँ पे चिल्ला दो सबसे वाहियात कॉलेज है। मुझे लगता है ना मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे ओरिएंटेशन में कुछ बकवास सुन के फिर मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलवा दिया। सच्चाई तो हमें पता है दी वर्स्ट कॉलेज, यार किसी को ना पूछना है तो हमसे पूछना है, लेकिन ये लोग तो ओरिएंटेशन में आते हैं अच्छे से झूठ को सुनते हैं फिर वाह अच्छे कॉलेज से समझ लेते हैं और अपने बच्चों को यहीं पे एडमिशन करवाते हैं। वाह अगर मुझसे अगर वो कहे ना जाके बेटा कॉलेज के बारे में कुछ बोलो तो मैं जाके सच्ची बोलूंगी कि हमारे कॉलेज इतना खराब है, इतनी वर्स है, टीचर्स है कि राक्षस से पता नहीं है, कुछ समझाते नहीं है, कुछ ठीक से टीचर्स को ही नहीं आता, बाद में हमें इतने सारे प्रश्न देते हैं। अगर मुझे बुलाते ना तो मैं यही बोलती सच में ना, लेकिन क्या करें मुझे थोड़ी ना बुलाएंगे, टॉपर्स को बुलाएंगे हम कहा भैया। यस मैडम डिड यू कॉल मी? एक्चुअली प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि तुम्हें आज स्टेज में जाके कॉलेज के बारे में स्पीच देना है। ओके या बी रेडी, ओके वहां पे आ जाना। गाइस मुझे जाके स्टेज में कॉलेज के बारे में बोलना है, ये तो बढ़िया हुआ है, तुम जाओगी स्टेज पे पूरा पूरा सच बोल के आसुमा, ऑल द बेस्ट, सबको जाके सच्ची बोल दूंगी अभी तो, और नहीं तो क्या, अपॉर्चुनिटी कुछ चल के आया है मेरे पास तो मैं क्या छोड़ दूंगी। अभी हमें फर्क ही क्या पड़ता है, थोड़ी ना इनके मुंह देखना है नेक्स्ट ईयर, कॉलेज तो कदम ही हो गए।
गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको हमारे कॉलेज की सच्ची बात बताने चाहती हूँ। दैट इज अवर कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ द सिटी। आप लोग बहुत लकी हो जो इस कॉलेज में अभी एडमिशन करने वाले हो। I'm really grateful to our principal madam. And all our teachers. We have the best faculty, the best facilities and the infrastructures. Thank you. Thank you so much. Nice, 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 nice. बहुत गलत किया यार तुमने, तू तो गई। तू हमारी दोस्ती नहीं है यार। यार मैं कैसे बोल लेती यार, वहां पे हमारे प्रिंसिपल के चेहरे से तो उनकी पति भी तो फटता है। मैं क्या चीज हूँ यार, वहां पे तो नहीं हुआ यार। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन Hey guys, this is Suma. I'm sure आपके लाइफ में ऐसे काफी चीजें हुए होंगे जहां पे आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ और ही बोल देते हैं या कुछ और ही कर देते हैं। Not only these four situations, काफी ज्यादा situations होंगे जहां पे आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर दिया। ऐसे काफी सारे जगह पे होते हैं, right? So if you like this video, make sure that you are gonna hit the like button, subscribe to my channel. And share it with your friends, your family. Bye.